अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ मलाइका और आप देख रहे हैं मलाइका फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वेजिटेबल कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने के साथ साथ इजी भी है। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को ऑन करने से जब भी मैं न्यू मज़ेदार रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट बंद गोभी और वेजिटेबल कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेंगे एक बोल और इसमें ऐड होगा आलू। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने पिलर से पील ऑफ करने के बाद वॉश करके अच्छे से बॉयल कर लिया था। और उसके बाद हम कद्दूकश की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे आलूओं को कद्दूकश की हेल्प से ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड होगा बंद गोभी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की बंद गोभी ले ली थी, जिसको मैंने कद्दूकश की हेल्प से ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 1 से 2 अदद, धनिया पत्ती, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। कंबाइंडिंग के लिए यहाँ पे यूज़ होगा 2 टेबलस्पून मैदा, साथ ही यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जीरा का लिया है, साथ ही यहाँ पे धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून जाएगा, कुटी हुई गोल लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये है नमक, ये 1 टीस्पून जाएगा। अब हम इन मसालों को आलू और बंद गोभी में अच्छे से मिला लेंगे। इनको हमने तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे बंद गोभी और आलू का जो मसाला है ये एकदम अच्छे से परफेक्ट सा डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम थोड़े से अमाउंट में लेंगे बंद गोभी और आलू के मसाले को, और उसके बाद यहाँ पे हमने दोनों हाथ की हेल्प से इस तरीके से प्रेस कर करके राउंड सा शेप दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको हथेली पे रख के दूसरे हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राउंड शेप का आ जाएगा कबाब। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिंगर्स की हेल्प से किनारों को हमने हल्का सा शेप दे देना है ताकि ये एकदम सिमट के आ जाए। इसी तरीके से बाकी सारे कबाब हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 अदद अंडा, जिसको हमने फेंट लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे अंडे को फेंट लेने इसको हम कर देंगे साइड पे। यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप रस का चूरा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बंद गोभी के कबाब को लेंगे हाथ में और डिप कर लेंगे अंडे में। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको डिप कर लेना है दोनों साइड से अंडे में, ताकि एकदम अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे फोक की हेल्प से इसको निकाल के प्लेट में रख देना है जिधर ब्रेड क्रम्स हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे हाथ से हमने ब्रेड क्रम से कोट करना है इस कबाब को, उस हाथ से नहीं करना जिस हाथ से हमने अंडा डिप किया था। तो यहाँ पे दूसरे हाथ से हमने ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इस कबाब में कोट कर लेना है। और कोट करने के बाद यहाँ पे हमने पैन को रख देना है साइड पे, और उसमें हम डाल देंगे ऑयल को। तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रख के एक एक करके इन कबाब्स को डाल देना है इस पैन में, जितना स्पेस है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। यहाँ पे 1 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पे टाइम हो गया था। अब हम साइड्स को चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक साइड से एकदम अच्छे से कलर आ गया इस पे, दूसरे साइड से भी हमने 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड से एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गया है। इन कबाब्स को हम निकाल लेंगे किसी सर्विंग डिश में। तो यहाँ पे हमारे पास एकदम मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बंद गोभी के कबाब तैयार हैं। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ में अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को ऑन करने से जब भी मैं न्यू मज़ेदार रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ में लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। Bye.